हाय दोस्तों, मैं देवर आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और आप सभी का थैंक यू 4K कंप्लीट करवाने के लिए। अब जल्दी से 5K कंप्लीट करवा दो, फिर 10K, फिर 100K, तो बहुत जल्दी अपन 100K पे पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल आज अपन ये अपनी टॉप सीरीज 4K स्पेशल एक वीडियो है। इसमें क्या थी कि ये वन ब्लॉक की ये सीरीज थी जो मेरे चैनल पर टॉप थी, सबसे ज़्यादा व्यू इसी पर आए थे। और ये मॉडेड मतलब मोड है इसके अंदर, मॉडेड वन ब्लॉक रियली में इसके अंदर बहुत सारे मोड लगे हुए हैं और लिटरली बहुत खतरनाक होने वाली सीरीज अगर आपका सपोर्ट आया तो। फिलहाल इसमें यही होता है कि पहले ब्लॉक इनको ब्रेक कर लेते हैं ब्लॉक को, और वह नीचे कूद के भी देखते हैं इसमें कुछ मिलता है। शायद मरने पर कुछ मिलता है, बट ये मर नहीं रहा। ओ भाई, अरे यार वो मिस हो गया, आपकी बार पक्का इस पर कूदूंगा। और ये मरने पर शायद कुछ मिलता है अपन को, तो इस पर अब दोबारा से मिस हो गया है यार। तो यार इसके ऊपर जंप करना पड़ेगा, मर गया। तो अब फिलहाल देखो मेरे को एक चेस्ट मिल गया और एक पिकक्स मिल गई है और एक वुड का ब्लॉक मिल गया है। तो यही होता है कि एक बार मरने के बाद में अपन को थोड़ा बहुत कुछ आइटम मिल जाता है। और इसमें थोड़े बहुत मोड लगे हुए हैं, बहुत सारे मोड लगे हुए हैं, और रियली में थोड़ी सी डिफरेंट है। वन ब्लॉक से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा बहुत अलग है। इसमें यही है कि नेदर में जाओ आप, उसको मारो और लास्ट में अपन एंडर ड्रैगन को मार के ख़त्म कर दो इस सीरीज को। नॉर्मल सा यही वो सेम इसका वही है, बट इसमें बहुत सारे मोड लगे हैं। इसमें थोड़ा आप मज़ा भी कर सकते हो, बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप की इसमें चीज़ें हैं, तो वो आपको दिखाएंगे अगर आप कंटिन्यू रखने के लिए बोलोगे तो इस सीरीज़ को। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्मर हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी पिकैक्स, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ लगाई हुई है इसके अंदर। तो आप अगर इस पर कंटिन्यू रखना चाहो तो आप सपोर्ट दिखा दो, अदरवाइज़ अपनी वो दो सीरीज़ तो कंटिन्यू है ही, वो आएंगी पक्का। कल आएगी अपने ऑल द मोड पैक 6 की, उसके बाद वोल्केनो ब्लॉक, बहुत जल्दी वोल्केनो ब्लॉक की वीडियो आने वाली है। तो फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी आज मैंने नॉर्मल ऐसे ही देखा कि आज कुछ नया करके देखते हैं, बहुत दिन हो गए तो इनको खेलते हुए। तो मैं सोचूंगा कि वन ब्लॉक की वीडियो अपनी बहुत टॉप गई हुई है, अपनी मतलब मेरे चैनल की टॉप वीडियो है। तो मैंने सोचा कि वह ट्राई करके देखते हैं मोडेड वाला भी, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको भी टॉप बना दो। कोई बात नहीं, अब जल्दी से देखो क्ले के ब्लॉक आ गए। अभी फेज़ वन चल रही है, तो फेज़ वन में बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें आएंगी। वैसे नॉर्मल ब्लॉक नहीं है वन ब्लॉक, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें आएंगी, बायोम आएंगी, बायोम वाली चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल अभी इसको ये 10 फेज़ बता रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें देखो इजी फेज है थीम, इजी फेज है थीम, मतलब एकदम इजी फेज है इनकी सारी। और फर्स्ट फेज प्लेन फेज चल रही है अभी, और अभी आगे वह देखते हैं ब्लॉक एंड मॉब्स स्पॉन। ओ भाई साहब, अभी मॉब्स स्पॉन होंगे। ओ वेरी ब्लॉक स्पॉन टू, रेयर ब्लॉक स्पॉन टू। कोई नहीं छोड़ो, ये एक बार पढ़ लेते हैं, क्ले का ब्लॉक भी तोड़ लेते हैं। और ये बोला कि इंटर द नेदर, आप नेदर में जा सकते हो। और एंड द इंटर टू, एंड टू मतलब एंड में, और फिलहाल हो चुका है। तो अब जल्दी से इसने बता दिया सब कुछ, अब जल्दी से इनको ब्रेक कर लेते हैं। और अब जल्दी इनको ब्रेक करके फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं यार इस एरिया को। एक डिस्क मिली है, एप्पल मिले हैं, कोई नहीं अच्छी बात है। और इस एरिया को भी थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूँ, पहले मैं चेस्ट निकाल लेता हूँ बेफालतू की चीज़ें, फिर इस एरिया को एक्सटेंड करूँगा। तो फिलहाल ये ट्री लगा दिया है बट ये ग्रो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं ग्रो हो रहा। आई होप ये क्राउच होने पे भी ग्रो होता है, इसमें से अपने में से एक ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जिससे ट्री जल्दी ग्रो होते हैं, बट पता नहीं ग्रो क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। बट छोटा अभी फिलहाल के लिए मैं भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस एरिया को, क्योंकि यार मैं गिर जाऊँगा तो फिर वापस से इसके ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अरे यार नीचे वाले पर लग यार, यहाँ पर मत लग, यहाँ पर फिर यार कुछ लगता नहीं है, इसलिए भाई ये देखो एक्स भी काम नहीं कर रही है। देखो अभी काट भी नहीं रहा है ये, देखो वुड की स्टोन की एक्स से काम करेगी क्योंकि ये इस पर काम नहीं करेगा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर देता हूँ। ओ भाई नीचे भी जा सकता हूँ, और तीसरा ब्लॉक, ओ भाई 5 ब्लॉक नीचे लगा दिया मैंने लिटरली नीचे जाने के लिए। यार ये अच्छी ट्रिक है यार, इसके अंदर ये मोड लगा हुआ है कि अपन नीचे वाले पे भी ब्लॉक लगा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छोड़ो अभी फिलहाल इसको। तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, बाकी ब्लॉक तोड़ के देखते हैं नेक्स्ट फेज में चलते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट फेज तो अपनी वही होगी प्लेन, और सेकंड फेज में आएगा अपना स्टोन वाली। स्टोन वाली में भी बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें स्टोन है जिससे अपन बहुत खतरनाक वाले घर बना सकते हैं। तो फिलहाल ये पम्पकिन तोड़ लेते हैं, और ये नॉर्मल वैसे वन ब्लॉक है और बस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये मोडेड है, बस यही था। तो मैंने ट्राई करके देख रहा था एक बार, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो इस वीडियो पर, 60 लाइक कंप्लीट करवा दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ये नीचे वाले यार थोड़े जल्दी लग जाते हैं। तो ये ट्री बता नहीं बड़ा क्यों नहीं हो रहा यार, आई डोंट नो, कितने देर से कोशिश कर रहा हूँ ये ट्री बड़ा नहीं हो रहा।
और एक पिगी भी स्पॉन हो चुका है। अच्छी बात है पिगी स्पॉन हो गया। तो इस सीरीज को मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा, ऐसे नॉर्मल वन ब्लॉक की तरह नहीं खेलने वाले। इसमें बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अगर आप सपोर्ट करोगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें मैं सेटअप पैक लगाऊं या ना लगाऊं। सेटअप पैक का आप मुझे नीचे बता दो यार, क्योंकि मैं इसमें सेटअप पैक लगाना चाहता हूं। अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो मैं लगा दूंगा, अदरवाइज मैं इसे नॉर्मल की तरह खेलूंगा। अगर आपको सेटअप पैक चाहिए तो मैं इसमें HD वाला कोई भी RTX वाला कुछ भी अच्छा सा सेटअप पैक लगा दूंगा। तो फिलहाल अभी एक काऊ भी स्पॉन हो चुकी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इनका थोड़ा सा एरिया मैं थोड़ी सी दूर करने वाला हूँ, तो फिलहाल अभी थोड़े बहुत ब्लॉक निकाल लेते हैं, फिर इनको एक्सटेंड करके इनको एक सेपरेट जगह इनका एक बेस बना देंगे। तो फिलहाल अभी जल्दी से इनको इनके लिए यार थोड़ा सा बाड़ा टाइप बनाएंगे यार, कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, अब छोड़ो दो गए कि ये भी आज का चिकन। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर आगे की देखते हैं। तो इधर ये लगाओ ब्लॉक यार, ये नीचे वाला नीचे एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो एक बार इसको फिल कर देखो, ऐसे लग जाता है। इसमें मोड़ लगा हुआ है जिसके कारण अपन नीचे वाले ब्लॉक पे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। तो प्लस का पॉइंट आ रहा है ना, इससे अपन नीचे वाले ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो फिलहाल मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया है इस एरिया को पूरे को, और इन काउन शिप का सबका बाड़ा थोड़ा सा अलग बना दिया है। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पे चेस्ट लगी हुई थी जो मैंने उधर लगा दी है, और नीचे की तरफ एरिया बनाऊंगा बट ऑफलाइन बनाऊंगा, पर अभी नहीं, इसको बाद में देखेंगे ऑफलाइन। अभी फिलहाल देखो ये थोड़ा सा मैंने काम किया है, इधर ये ग्रास फैलने लगी है और इधर मैंने डस्ट लगा दी है, और भी यहाँ पे एक चेस्ट लगा देता हूँ यार, इसको हटाओ। और यहाँ पे चेस्ट लगानी है मुझे, और यहाँ पे स्टोरेज का जुगाड़ बिठाएंगे, और इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चेस्ट हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, बट वीडियो पे कंटिन्यू रहोगे तो आपको दिखेंगी। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से सारे सामान इन चेस्ट में रख देते हैं और फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं, और फिर आगे की इनको भी रख दो बेफालतू की चीज़ें। तो आप बताना ज़रूर किसी का ये खेला हुआ है, तो ये ट्री क्यों ग्रो नहीं हो रहा यार, पता नहीं यार ये ट्री ग्रो क्यों नहीं हो रहा। कोई बात नहीं यार, ये ट्री ग्रो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है क्या हुआ, बट देखते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें सेटअप एक लगाना है या नहीं लगाना। अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं लगा दूंगा, अदरवाइज नॉर्मल ऐसे इजी चल रहा है। तो कोई मैंने अभी छोड़ो, जल्दी से इन चेस्टों में देखते हैं, इसमें यार सैपलिंग आई है, ओ भाई अच्छी चीज़ है, अभी जल्दी से इनको निकालते हैं। अरे यार ट्री तो ग्रो हो ही नहीं रहा यार, सैपलिंग क्या काम आएगी, पता नहीं यार इसमें कोई प्रॉब्लम हो रखी है क्या होगी, बोन मिल से बड़ा होगा। तो देखते हैं, क्ले का ब्लॉक निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फेज यार अभी तक भी मैं स्टोन एज में नहीं जा पाया, और ये सीप स्पॉन हो रही है यार, वैसे भी सीप बहुत सारी हो रही है। पहले इसको अंदर भेजने की तैयारी करता हूँ, इसको अंदर कैसे जाएगी, यहाँ पे एक डर्ट का ब्लॉक लगाओ और ये गई सीप अंदर, इतनी ईजी चल गई, नहीं तो जाते नहीं, इनको धक्का मार मार के भेजना पड़ता है। तो फिलहाल छोड़ो, अभी जल्दी से इनको ब्रेक करते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉक को, और ये वुड का लॉग ब्रेक करते हैं जल्दी से, कुछ अच्छा आ ही जाए, बस कोई मॉब्स स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि अभी मॉब्स अभी स्टोन तो आया नहीं है, तो इन मॉब्स का एक जुगाड़ बिठाऊंगा। बट अभी एक बार इसको चिकन को अंदर भेजने की तैयारी करता हूँ। ये चल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, चल जा भाई चल जा, नहीं तो मैं मार भी दूंगा तेरे को। ऐसे इसको अंदर जाने का एक तरीका है, मेरे पास एक सीड पड़ा है, ये मेरे को चेस्ट में मिला था, और इससे मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूँ। आएगा, फॉलो करेगा, अंदर आ जा, अंदर कम थोड़ा सा, और अब इसको धक्का दे के अंदर भेजना पड़ेगा, अदरवाइज ये अंदर नहीं जाएगा। भाई अंदर चले जा ना यार चिकन, थोड़ा सा और मूव कर जा। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मोड पैक आपको कैसा लगा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। वैसे ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कभी आपका सपोर्ट अच्छा है तो रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं दो वीडियो डालने की सोच रहा हूँ दिन में। तो देखेंगे, अभी फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, एक तो अपना ऑल द मोड पैक 6 की, और इसकी मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा अगर आपका सपोर्ट अच्छा आया तो। अभी फ़िलहाल छोड़ो, और इस ब्लॉक को तो पड़े रहने दे, बाद में निकाल लेंगे। तो अभी नाइट हो चुकी है और अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको। तो फिलहाल अभी मैं एक चेस्ट आई थी, इसमें थोड़ा बहुत सामान मिला था मेरे को, और जल्दी से इसको ब्रेक करते हैं, और फिर ये आ गई है, नेक्स्ट फेज आ चुकी है, अपग्रेड हो रहा है। देखो इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, बट थोड़ा सा ब्राइटनेस अपनी फुल करके देख लो। देखो इसमें अपग्रेड इन 412 ये आ गई, स्टोन एज में आ चुका हूँ फिलहाल। और अभी यार मैं मॉर्निंग की वेट कर लेता हूँ यार, अदरवाइज यार आपको कुछ दिखेगा तो है नहीं, तो थोड़ा मॉर्निंग का वेट कर लेते हैं। तो कोई नहीं, एक बार मॉर्निंग से पहले मैं एक बार स्टोन एज में तो आ जाऊँ, ये थोड़ा सा ब्लॉक इन ब्लॉक को तोड़ लेते हैं, कोबा स्टोन को। कोई बात नहीं, हम जल्दी से इनको ब्रेक कर लेते हैं और फिर आगे प्रोसेस देखते हैं, और मॉर्निंग होने का वेट करते हैं जल्दी से। ये आपको दिख नहीं होगा, मैंने पहले तो देखा नहीं रिकॉर्डिंग में यार, मैं रिकॉर्डर ये नाइट को थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं करता, फिलहाल अभी मॉर्निंग का वेट करते हैं।
तो लगभग बहुत देर के बाद में ये मॉर्निंग हो चुकी है, लिटरली बहुत टाइम लग गया। और वैसे अब इसमें मॉब्स स्पॉन होना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा बहुत स्टोन निकाल लेता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें कि मॉब्स से कैसे बचें। वो यहाँ पे रैंडमली स्पॉन होते हैं ना, ब्लॉक तोड़ते ही रैंडमली स्पॉन होते हैं। तो देखो इसमें एक नया टाइप का एक कोबा स्टोन है, जो चार कोबा स्टोन मिलाकर एक डिफरेंट टाइप का कोबा स्टोन बनता है, और इससे एक फर्नेस भी बना लेते हैं और एक डिफरेंट टाइप वाले ये भी बना लेते हैं। तो अब मैं आपको इसको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें ये मॉब्स कैसे बचें। तो फिलहाल एक ब्लॉक यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे स्लैब लगा दो इन चारों तरफ, एक स्लैब इधर लगा दो और एक स्लैब इधर लगा दो। अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। देखो अब एक बार ऊपर जाता हूँ, एक बार इसके ऊपर जाना है मुझे, तो यहाँ पर डर्ट लगाओ, यार डर्ट ले ले यार थोड़ी बहुत, यहाँ पे डर्ट लगाओ और ये चला गया मैं इसके ऊपर। तो अब क्या करना है कि इन कोबा स्टोन के ब्लॉक वाले को इधर लगा दो, एक इधर रिप्लेस कर दो और बीच वाला तोड़ दो। अब इनको भी फिल कर दो जितने पड़े हैं आपके पास, और इनको हटा दो डर्ट को। और अब जो भी मॉब्स स्पॉन होगा वो आपको कोई भी डैमेज नहीं देगा। तो देखो इसको हटा दो सेंटर वाले को, अब जो भी मॉब आएगा वो यहाँ से ही बाहर नहीं आ पाएगा और आपकी बेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बस ये नॉर्मल सा ये ट्रिक है, तो आप ट्राई करना चाहो तो कर लो, वैसे आपकी मर्ज़ी और आप पे डिपेंड है। तो छोड़ो फिलहाल, तो आप जल्दी से इनको करते हैं। और आयरन भी मिल चुका है वैसे तो मुझे, अब आयरन के भी थोड़े बहुत मेरे सीप से, वैसे मेरे को वूल निकालनी थी तो शेयर बनाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको अभी निकाल लेते हैं। ग्रेवल भी आ चुका है और कॉल भी मिल चुका है, और ये कौन सा है आई डोंट नो, छोड़ो फिलहाल। तो इनको पहले ब्लॉक को तोड़ लेते हैं थोड़े बहुत आयरन, और अभी तो आयरन ही आए हैं बट अभी और कोई तो मिला नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। एक इसमें मेटल जनरेटर भी बनता है इसके अंदर, वो भी देखेंगे, जिससे अपन बहुत सारे मेटल बना सकते हैं। तो फिलहाल एक ये भी बना लेते हैं क्योंकि अब मॉब स्पॉन होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि इसमें अब मॉब स्पॉन भी होंगे। तो एक इसमें मेटल जनरेटर बनता है तो वो भी बताएंगे। उसमें क्या है कि गोल्ड डायमंड कुछ भी आ सकता है रैंडमली, जनरेटर काम करता है। इसमें एक मोड लगा हुआ है जिसमें वो बताएंगे फिलहाल आपको। और ये मशरूम का कोई नहीं, अच्छी बात है, इसको बाहर निकालते हैं एक बार। तो देखो ऐसे बीच में फंस जाएगा, कोई भी मॉब्स आएगा तो वो और वो अपन को डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा, तो कोई नहीं अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी इसको दोबारा से फिल कर देता हूँ। यहाँ से निकल यार तू, निकल जा भाई, निकल जा भाई, नहीं बहन है ये, तो चलो अंदर जा यार। तो इधर क्यों घूम रही है यार, अपने अपने जैसे के पास जाना है, मेरे पास क्यों घूम रही है, अंदर जाना है, वो तेरे साथी अंदर है, अंदर जा। अरे चली जा, क्यों नखरा कर रहा है, अरे क्यों कर रही है नखरा, अंदर जा, अंदर 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 अंदर, चलो अंदर अंदर। यार ये जा ही नहीं रही यार, यार ये बहुत नखरा कर रही है यार, अंदर नहीं जा रही है। तो चलो कोई नहीं, इसको फिल कर दो एक बार। और ये लगाया ब्लॉक, और अब आगे अपन करते हैं माइनिंग, क्या बोलते हैं इनको, ब्लॉक को तोड़ते हैं। और अभी मैं सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं आयरन को मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, और फिर से वो वूल निकालते हैं हर एक शेयर बनाकर। और वैसे इसमें एडवांसमेंट होती है कि उनके मतलब स्टेप बाय स्टेप भी आप चल सकते हो, अदरवाइज इसमें आप जैसा मन कर रहे हो वैसा कर सकते हो। तो फिलहाल अभी एक शेयर बना लेता हूँ और अभी इन आयरन को मेल्ट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो आयरन को मेल्ट होने के लिए यहाँ पर वूड लगा देता हूँ, तो मुझे दो ही चाहिए होंगे आयरन, तो जल्दी से इनको मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। फिर यार वूल निकाल लेते हैं और फिर बेड भी बनाने की सोचेंगे, बट बेड अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल इसको अंदर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ यार, जा नहीं रही है। तो फिलहाल मैं शेयर बना लेता हूँ, ये शेयर बन गया, और अब मैं वूल निकाल लेता हूँ इस पर, इसके ऊपर जंप किया और ये निकला वूल। एक वूल और चाहिए, और मैं वूल बताऊँगा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कारपेट बनानी है। और यार क्यों कारपेट, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर जंप करके बार बार में इधर उधर आने के लिए कारपेट चाहिए होती है। तो मैं कारपेट लगा देता हूँ, देखो एक कारपेट लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसके ऊपर से जंप करके उधर जा पाऊँगा, बट ये नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैंने इधर कारपेट लगाई है। तो जितनी वूल हो सके ले लेता हूँ, और ये अपना बाड़ा बन के तैयार है। तो फिलहाल अब चलते हैं उधर। तो अब थोड़े बहुत आयरन और कोर निकाल, देखो ऐसे मॉब आएंगे स्पॉन होंगे तो ये बाहर नहीं आ पाएंगे और अपन को डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसका इसीलिए मैंने ये एक ट्रैप बनाया छोटा सा। तो फिलहाल ये आप बना सकते हो, और इसको डाउनलोड करना आपको सीखना है तो नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो पे 7 लाइक आ गए तो मैं इसको सेपरेट डाउनलोड करना बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो फिलहाल अभी थोड़े बहुत कर लेते हैं, तो ब्लॉक निकाल लेते हैं जल्दी। नेक्स्ट टीयर में कब तक जाएंगे देखेंगे, नेक्स्ट फेज में। तो फिलहाल अभी इनको निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, माइन हो जाओ। और इस वीडियो के लिए फिलहाल ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखे। ओ भाई क्रिपर आ गया, इसी के लिए तो मैंने ट्रैप लगाया था।
कि ये बाहर ना आके मेरे बेस को ख़राब ना करे। देखो अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इसको मैं दिखूंगा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने ट्रैप बनाया था। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, तो वीडियो को इतना रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचते हुए। तो अब इसको एंड करते हैं यार, क्योंकि देखो बहुत कुछ कर लिया, आयरन मिल चुका है अपन को, कोल मिल चुका है, तो थोड़े बहुत टॉर्चे और बना लेता हूँ यार। मैं टॉर्चे बना के फिर यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ यार, फिर यार यहाँ पर रोशनी हो जाएगी, नहीं अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे मॉब हो जाएंगे नाइट में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ मैं एक बार, तो इधर एक रिप्लेस करो टॉर्च और एक इधर लगाओ यार, ये मेरे ये एनिमल मर जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे टॉर्च रिप्लेस कर देता हूँ एक बार जल्दी से। और थोड़ी बहुत टॉर्च इधर भी लगाओ, ये मॉब्स स्पॉन, ये देखो ट्री तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, पर आप नीचे कमेंट करके बताना कि ये ट्री बड़ा क्यों नहीं हो रहा है यार, इसमें तो होना चाहिए यार, ये मॉड पैक वाला है ये तो। कोई बात नहीं, अब छोड़ो वीडियो को, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचते हो, वीडियो को एंड करते हैं। और ये देखो आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखो चेयर भी बन सकती हैं, इसके अंदर बहुत सारे डोर हैं, जैसे मतलब चेस्ट के भी बहुत खतरनाक वाले, इसमें एडवांस लेवल वाले हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये रे ये क्रिएट हैं, इनके अंदर स्टोरेज जैसा ही है ये, तो फिलहाल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऐसा आप मतलब रसोई कुछ ऐसा बनाना चाहो तो उसमें काम आ सकता है, देखो थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट इसमें मॉड पैक लगे हुए हैं, बहुत सारे मॉड पैक लगे हुए हैं, तो आप इसे खेलना चाहो तो आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो फिलहाल इसके लिए इतने रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को 60 लाइक कंप्लीट करा देना, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।